Entonces no me hasta que así como
क्लास के ग्रुप में बोल दें 11:15 के बाद जो भी एंटर हुआ वो उसके लिए मीटिंग लॉक होगी। बाद में कोई मुझे ना बोले कि क्या नाम है सर, मुझे नहीं आपने एंटर ऑन दिया, ये नहीं किया वो नहीं किया। आप लोगों को लेक्चर में आने को दिल ही नहीं करता। 15 मिनट्स की रिलैक्सेशन दी है स्टिल 41 स्टूडेंट्स 76 में से। माहीन माहीन सर ग्रुप में बोल दिया है। ओके गुड। सर अगर किसी का रिकनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए फिर अब देखो भाई भाई जो मैं रात को चाहिए सब लोग आ रहे हैं। हाँ। है? हाँ। मैं रात काम की तभी मेरी तो हालत ही खराब थी। दुबई जा रही है ना, घूमगी है ना।
जी लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था सर? सेल्डिंगर टेक्निक जी। आयशा बताएं क्या होती है सेल्डिंगर टेक्निक? आयशा इम्तियाज आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं क्या होती है सेल्डिंगर टेक्निक? ओके सर बता रही हूँ सर। सबसे पहले हम लोग मतलब जो पेशेंट है उस शेविंग करते हैं, सिटलाइजिंग करते हैं फीमोरल साइड से। देन उसके बाद हम लोकल एनेस्थीजिया देते हैं 24 गेज निडल से। 1% लिडोकेन देते हैं, 2 to 3 ml देते हैं 10 to 20 सेकेंड्स के डिफरेंस में। एकदम से ज़्यादा नहीं देते क्योंकि उससे ये होता है या तो एकदम से ज़्यादा देने से पल्सेशन मिलना बंद हो जाती है। अच्छा माहीन। यस सर। मुझे आप बताएं कि हमने नीडल एंटर कर ली उसके बाद क्या करते हैं? सर नीडल एंटर करने के बाद हमने जो गाइड वायर होती है उसको हमने इंसर्ट करना होता है। और गाइड वायर इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि अगर गाइड वायर जो होती है एट द लेवल ऑफ रीनल आर्टरी अगर एब्डोमिनल एओर्टा में चली जाती है, फिर हमने उस नीडल को रिमूव करना होता है। और उसके लिए हम पहले आर्टरी को पिंच करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे क्या ताकि जो गाइड वायर है वो एक्सीडेंटली निकल आए बाहर। और इसके बाद हमने जब ठीक है अच्छा आगे अब हमने मैंने आपको बताया था कि हम इसके बाद एंटर करते हैं शीथ आपकी गाइड वायर के ऊपर, ठीक है। अब शीथ का काम क्या होता है कि वो आपकी वेसल को ओपन रखे ताकि आप उसके अंदर कैथेटर इंसर्ट कर सको, ठीक है। जो शीथ का साइज होता है कैथेटर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आज हमने उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। आखिरी 2 मिनट्स हैं, इसके बाद मीटिंग लॉक कर दूंगा। अच्छा जी वो कहते हैं जी इंट्रोड्यूसर शीथ, ठीक है। इंट्रोड्यूसर शीथ सबसे पहले उसने आपको एक ओवरव्यू दिया कि सेल्डिंगर टेक्निक जो स्वैन एवर सेल्डिंगर के नाम पे थी, ठीक है। उसमें हमने क्या करते हैं कि हम नीडल एंटर करते हैं, वहां से ब्लड आता है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर गाइड वायर डालते हैं। गाइड वायर डालने के बाद हम नीडल रिमूव कर देते हैं, फिर हम इंट्रोड्यूसर शीथ डालते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल ट्यूब होती है। उसके ऊपर क्या नाम है, हम गाइड वायर के ऊपर उसको वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसर गाइड वायर फिर रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कैथेटर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये एक उसने पूरी सेल्डिंगर टेक्निक की आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया, ठीक है। ये आपकी शीथ होती है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं ताकि आपकी जो आर्टेरियल एसेस है वो मेंटेन रहे, ठीक है, क्योंकि आपने नीडल तो रिमूव कर दी भी। अगर नीडल वहां होती तो हम उसको वहां से मेंटेन रख सकते थे, लेकिन अब आपने नीडल रिमूव कर दी, सिर्फ गाइड वायर है, तो अब आपने कैथेटर इंसर्ट करने के लिए आपको उस पैसेज वे को यानी कि आपकी वेसल को ओपन रखने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। तो हम वो जो चीज वहां प्लेस करते हैं उसको हम बोलते हैं शीथ, ठीक है। वो कहता है हाउ इट वर्क्स, द प्रोसीजर बिगिंस विद एसेस टू द फेमोरल आर्टरी थ्रू द ग्रोइन, ए नीडल इंसर्टेड थ्रू द स्किन इनटू द फेमोरल आर्टरी, द नीडल इज ड्रॉन अंटिल अ फ्लैश ऑफ ब्लड अपीयर्स, ठीक है। वही जो स्टार्ट में होता है सेल्डिंगर टेक्निक के, ठीक है। ये उसने आपको दिखाया कि आपने नीडल एंटर की, उसके अंदर गाइड वायर डाली, ठीक है। ये उसने शीथ के आपको दिखाया है कि शीथ किस तरह की होती है। ये जो व्हाइट कलर की है ना, सिर्फ ये आपकी शीथ है, ठीक है। जो ये अंदर ब्लू कलर का इसने बैक से एंटर किया हुआ है ना, इसको डायलेटर बोलते हैं, ठीक है। जब शीथ आपकी वेसल के अंदर प्रॉपर प्लेस हो जाती है तो आप डायलेटर और गाइड वायर को निकाल देते हो, ठीक है। डायलेटर इसलिए डालते हैं क्योंकि शीथ देखो राउंडेड टेप है उसकी, ठीक है, बट डायलेटर की थोड़ी सी पॉइंटेड है, ठीक है। ताकि हम इसलिए डायलेटर के अंदर डालते हैं कि जब आपने वेसल के अंदर एंटर करवाना है शीथ को तो आपको क्या नाम है मुश्किल ना पेश आए। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। ठीक है। यस। अगर द शीथ इज इंट्रोड्यूस्ड विद अकॉम्पनिंग द डायलेटर, ठीक है, ये आपकी शीथ है। अब ये बैग से साथ वो डायलेटर एंटर कर रहा है, ठीक है, यानी कि डायलेटर एंटर किया हुआ है और उसने आपको बाहर निकाल के दिखाया हुआ कि ये डायलेटर है और ये शीथ है, ठीक है। उसके बाद कहता है द डायलेटर इज रिमूव्ड, द शीथ इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ब्लड वेसल होल्डिंग इट ट्रैक्ट ओपन,
एंड प्रोटेक्टिंग द वेसल फ्रॉम ट्रोमा. ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल आप अगर शीथ नहीं यूज करते, ठीक है, डायरेक्ट अगर आप कैथेटर अंदर डालने की कोशिश करोगे तो आपने देखा था कि कैथेटर जो पिक्टेल है वो बिल्कुल राउंडेड होता है. ठीक है, जुटकिंस जो है वो जे शेप में होता है. ठीक है, कुछ के जो एंड होल्स हैं और कुछ की जो टिप्स हैं वो टेपर्ड होती हैं और कुछ की थोड़ी पॉइंटेड होती हैं, जिससे क्या हो सकता है आपकी वेसल की इंजरी हो सकती है और आपका सारा प्रोसीजर खराब हो सकता है. ठीक है, यस सर. ये उसने आपको एक पूरा दिखाया हुआ कि हम कैसे डायलेटर और शीथ एंटर जोड़ेंगे, यानी कि पहले शीथ होती है, इसके अंदर डायलेटर यू इंसर्ट करके आप एक उसकी पूरी असेंबली बनाते हो, फिर उसके बाद आप उस पूरी असेंबली को वेसल के अंदर एंटर करते हो. ठीक है, वेसल के अंदर एंटर करने के बाद आप डायलेटर को रिमूव कर देते हो विद द गाइड वायर ऑल्सो. ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज डिजाइंड फॉर ईज ऑफ एंट्री एंड रिड्यूस ट्रॉमा. ठीक है, फॉर स्मूथ ट्रांजिशन फैसिलिटेट ईज ऑफ एंट्री विद लो इंसर्शन फोर्स. ठीक है, जब आप शीथ यूज करते हो, ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि अगर आप कैथेटर डायरेक्टली इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो आगे से उसका जो शेप है वो किसी की जे शेप होती है, किसी की पॉइंटेड होती है, तो वेसल में ट्रोमा कॉज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको क्या नाम है एंटर करवा भी लेते हो किसी ना किसी तरीके से, तो आपको उसकी मैनिपुलेशन के अंदर इशू आएगा. ठीक है, अगर उसका फेस एक साइड से दूसरी साइड पे आपने मोड़ना है तो आपको क्या नाम है वेसल को नुकसान पहुंचाने के खदशात हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है इम्प्रूव किंक रेजिस्टेंस. मुझे कोई उन बताएगा कि किंक का मतलब मैंने क्या बताया था सर? पीछे की जाती है जैसे पाइप का होता है, कोई एग्जांपल दे दोगे सर? आपने जैसे स्ट्रोक की तरह होता है कि हम उसको दबाएंगे तो वो दरमियान में से नैरो हो जाएगा. यस, गुड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने घर में देखा होगा जिन कहीं अगर आपने ना वाटर पाइप लगाया हुआ है जो प्लास्टिक वाला पाइप होता है, ठीक है, अगर वो किसी टर्न के ऊपर से टर्न हुआ हुआ ना, ठीक है, तो वहां से ना वो दबा हुआ होता है, ऑल दो पानी गुजर रहा होता है लेकिन वहां पे उसको मुश्किल आ रही होती है और कुछ टाइम गुजरने के बाद ना वो वहां से फिर लीक करना स्टार्ट कर देता है जब वो सख्त हो जाता है. ठीक है, तो सिमिलरली आपका जो कैथेटर है वो भी इस तरह जब आप उसको टॉर्चुअस वेन से गुजारते हैं तो वहां से मुड़ने की वजह से वो किंक हो जाता है. ठीक है, जब आप कैथेटर को आपकी शीथ के अंदर से यानी कि पास आउट करवाएंगे ना अपनी वेसल के अंदर तो उसकी जो किंक रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगी, मतलब वो किंक नहीं होगा क्योंकि उसको पैसेज वे ईजी मिल रहे हैं. उसके बाद कहता है लुब्रिसिटी एनहेंस द पुशेबिलिटी व्हाइल मेंटेनिंग द डिवाइस इंटेग्रिटी. ठीक है, जो शीथ है उसके अंदर लुब्रिकेंट लगाया गया होता है ताकि जो आपका कैथेटर वो ईजिली पास कर सके शीथ के अंदर से और वेसल के अंदर एंटर हो सके. ठीक है, लॉन्ग ग्रेजुअली टेपर टिप रिड्यूसेस द पोटेंशियल फॉर वेसल ट्रोमा. ठीक है, जो आपकी शीथ है उसकी टिप आगे से राउंडेड होती है, ठीक है, लंबी होती है और टेपर्ड का मतलब यानी कि ग्रेजुअली थोड़ी छोटी हो रही होती है, जिससे क्या होता है कि आपकी वेसल का ट्रोमा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद वो कहता है एक्सीलेंट कैथेटर पैसेज वही सिलिकॉन कोटेड वाल्व एंड स्मूथ इनर सरफेस प्रमोट डिवाइस पैसेज ट्राइकस्पेड वाल्व डिजाइन प्रमोट्स हेमोस्टेसिस. ठीक है, क्या नाम है जो कुछ आपकी शीट्स होती है ना उनका डिजाइन आपके ना ट्राइकस्पेड वाल्व की तरह का होता है. ठीक है, उस शेप का होता है, उससे क्या होता है कि आपको हेमोस्टेसिस यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग में जब आपने यानी कि कैथेटर रिमूव करना है तो आपको ब्लीडिंग स्टॉप करने में हेल्प मिलती है. ठीक है, यस सर. जी सर. अब वो बता रहा है कि शीट्स किन किन साइजेस में आती हैं और किस किस लेंथ की होती हैं. ठीक है, वो कहता है शीट्स आर अवेलेबल इन 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर लेंथ विद द फ्रिंज साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 4 to 9 F. ठीक है, जैसे आपका कैनुलास जो होते हैं वो 16G से 24G तक के होते हैं. ठीक है, इसी तरह ये फ्रेंच में होती हैं 4 to 9 फ्रेंच. All sheets are sold with dilators. ठीक है, जो dilator मैंने आपको दिखाया था हर sheet के साथ उसका dilator जरूर होता है क्योंकि उसके बगैर उसका काम ही नहीं है. वो कहता है dilator lengths are 17 centimeter for 11 centimeter sheet. अब यहाँ पे मुझे बताओ कि 11 centimeter की sheet के लिए dilator जो है वो 17 centimeter का क्यों है, क्या वजह है इसकी? माहीन सर क्वेश्चन फिर से कीजिएगा. डायलेटर वो कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर का होगा और शीट का साइज 11 सेंटीमीटर होगा, ऐसा क्यों है? सर क्योंकि डायलेटर ने डायलेट करना है ना आर्टरी को, तो इस वजह से उसकी ज्यादा होनी चाहिए लेंथ. आगे तक जाएगा ना वो ताकि गाइड वायर जो है वो रिमूव कर सके. ओए 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 ओए, थोड़ा सा और रिफाइन कर दो मलाइका, थोड़ा सा और.
सर डायलेटर की टिप भी होगी। अच्छा वैसे मतलब सर कैथेटर डायलेटर ने सर गाइड वायर को भी तो रिमूव करना है ना अपने साथ, इस वजह से भी आज मुझे तीसरी दफा फील हुआ कि मलाइका वाकई डीन होल्डर के काबिल है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये देखो आपकी शीट है ये इतनी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ग्रीन वाले से लेके तो ये यहाँ तक, और ये जो डायलेटर ब्लू वाला है देखो ये बैक से आ रहा है। अब डायलेटर ने शीट से आगे भी निकलना है, ठीक है, और बैक एंड से भी वो शीट के बाहर है, ठीक है, तो अगर उसकी लेंथ लंबी नहीं होगी तो यहाँ वो आगे से बाहर कैसे आएगा, ठीक है, आपकी जो वेसल है उसको थोड़ा वाइड ओपन कैसे करेगा, ठीक है, कि आपकी शीट एंटर हो जाए। सिमिलरली अगर वो बैक से बाहर नहीं होगा शीट से तो आप गाइड वायर को उसके साथ कैसे रिमूव करोगे, ठीक है, तो इस वजह से जो आपका डायलेटर होता है वो हमेशा आपकी शीट के साइज से कुछ इंचेस बड़ा होता है। इज इट क्लियर? जी सर। मलाइका थर्ड टाइम गिनती जाओ, तीसरी दफा हो गया शायद सेमेस्टर के आखिर तक, मुझे यकीन आ ही जाए। ठीक है सर। इसको ना बाद में ना बड़ा दिल में फील होता होगा कि सारे यार कितनी बिस्ती करते हैं। खैर कोई बात नहीं, इतनी इतनी होनी चाहिए, मलाइका सेहत के लिए अच्छा होता है, बंदा खुश रहता है। जी सर। हाँ सर ये आगे से ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 31 सेंटीमीटर की अगर आप शीथ यूज कर वो डायलेटर 25 सेंटीमीटर वाली शीथ यूज करते हैं तो उसका यानी कि 6 इंचेस का फर्क होता है इन डायलेटर एंड शीथ साइज, ठीक है। 11 सेंटीमीटर शीट्स में भी परचेज विद और विदाउट मिनी गाइड वायर्स, मिनी गाइड वायर डायमीटर्स आर 0.035 इंचेस 4 to 9F एंड 0.038 इंच 5 to 9F, ठीक है, जो आपकी गाइड वायर्स हैं उनके डायमीटर 0.035, ठीक है, और 0.038 होते हैं। ओके अब वो कहता है यूज ऑफ शीट असेंबली, अ कैथेटर शीट इज यूज्ड फॉर एडवांटेज ऑफ शीट इंट्रोड्यूस सिंगल आर्टरी एंट्री विद इंक्रीज्ड पेशेंट कंफर्ट एंड लिमिटेशन ऑफ आर्टेरियल डैमेज, ऊपर ये सारी बातें बता चुका हूं। द शीट आल्सो मेंटेन्स अ कांस्टेंट आर्टेरियल एक्सेस सो दैट एन एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ गार्ड वायर डज नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ आर्टेरियल एक्सेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि आपने नीडल डाली उसके ऊपर गाइड वायर डाली, नीडल रिमूव कर दी, अब अगर गाइड वायर निकल जाती है ना गलती से भी, ठीक है, आपने उसको पिंच करके नहीं पकड़ सके या फिर आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड का फ्लो इतना आ रहा था कि गाइड वायर रिमूव होगी, ठीक है, तो आपकी आर्टेरियल एक्सेस गई, आपको दोबारा से पंक्चर करना पड़ेगा और दोबारा पंक्चर करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पेशेंट को तो पेन होती ही होती है, लेकिन आप जब एक आर्टरी को एक से दूसरी दफ़ा पंक्चर करते हो ना तो उस पंक्चर के अंदर आपको क्या नाम है वो वाला जो कहते हैं ना यानी कि एक चीज जब आप एक दफा बनाओ तो अच्छे से बनाओ तो वो बहुत अच्छी बन जाती है, यानी कि अगर आप अगर उसको सर से उतारो तो जाहिर सी बात है वो अच्छी नहीं बनती, ठीक है। तो जब आप एक दफा अपने आर्टरी को पंक्चर कर लिया ना, ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको दोबारा पंक्चर करोगे ना तो आपको वो मजा नहीं आएगा प्रोसीजर का, ठीक है, आपको वो प्रॉपर वो चीज जो यानी कि 100% है ना वो नहीं मिलेगी, ठीक है, 60-70% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए हम शीत को वहां एंटर करवाते हैं गाइड वायर के ऊपर ताकि हमारे पास आर्टेरियल एक्सेस मेंटेन रहे गाइड वायर के रिमूवल के बाद भी, ताकि हम वहां से कैथेटर इंसर्ट करवा सकें। इज इट क्लियर? यस सर। ये उसने एक और पिक्चर दिखाई हुई आपको, ठीक है, ये आपकी शीत, ये पीछे से डायलेटर, ये गाइड वायर, ठीक है, और ये क्या नाम है साइड से ट्यूब होती है जिसके अंदर से आप कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हो पेशेंट को, ठीक है, या फिर सलाइन इंजेक्ट करते हो टू चेक द पेटेंसी ऑफ योर वेसल, ठीक है, कि आपकी जो क्या नाम है शीत है वो प्रॉपर वेसल के अंदर है कि नहीं है, ठीक हो गया? यस सर। अब वो कहता है जी पेशेंट को आपने क्या क्या बातें बतानी होती है, वो कहता है पेशेंट के लिए तीन बातें जानना बहुत जरूरी होता है, क्या कि उसको पेन कब कब होगी, जब आपने एशियनरी लिडोकन लगाना है सबक्यूटेनियस, ठीक है, उसके बाद जब आपने नीडल इंसर्ट करनी है आर्टरी के अंदर और जब आपने शीथ इंसर्ट करनी है आर्टरी के अंदर, इन तीन टाइम पे पेशेंट को पेन होगी और ये तीन बातें आपने पेशेंट को बतानी होती हैं जरूरी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अब जनाब जी क्या नाम है हीमियोस्टेसिस, यानी कि आपने ब्लड को कैसे रोकना है, ठीक हो गया। द पेशेंट ब्लड प्रेशर इज मॉनिटर एंड कैथेटर इज रिमूव्ड, सबसे पहले जब आपने कैथेटर रिमूव करना है ना तो आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपसे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर जरूर पहले चेक करना है कि आइदर इज इट इन द नॉर्मल रेंज और नॉट, ठीक है। इफ हेपरिन इज गिवन ड्यूरिंग द प्रोसीजर एन एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम इज ऑब्टेन्ड, पीटी एपीटीटी का नाम सुना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, किसी ने भी नाम नहीं सुना हुआ? सुना हुआ हाँ,
ठीक है, तो पीटी एपीटीटी हम पेशेंट का कैलकुलेट करते हैं उसका ब्लड सैंपल लेके, ठीक है। अगर वो कहता है कि इफ इट इज ग्रेटर देन 200 सेकंड्स देन प्रोटामिन सल्फेट में बी गिवन बिफोर शीट्स रिमूवल, ठीक है। अगर आपका पीटी एपीटीटी का जो टाइम है वो ज्यादा होता है ना, इसका मतलब ये है कि यू कांट कंट्रोल द ब्लीडिंग, आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि अगर हेपरिन दी गई है तो पहले वो चेक करो कि आपका पीटी एपीटीटी टाइम क्या आ रहा है। अगर तो आपका क्लॉटिंग टाइम ठीक आ रहा है तो इट्स ओके, आप शीट को रिमूव करो, कैथेटर को रिमूव करो। बट अगर वो कह रहा है कि आपका टाइम जो है वो 200 सेकंड से अबव जा रहा है ना, तो पहले तो आप उसको प्रोटामिन सल्फेट दो, ठीक है, और उसको स्लोली इंजेक्ट करो, ठीक है, और फिर जब आपका ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाए देन यू शुड रिमूव द कैथेटर एंड द शीथ। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये एक ना वीडियो देख लो छोटी सी। ये देखो, ये गाइड वायर तक बात हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, बल्कि पीछे से ही दिखा देता हूँ किधर गया है। हाँ, ये देखो, ये आपकी सिलिंजर टेक्निक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वीडियो नजर आ रही है सबको? नो सर। नो सर। नो सर। अब आ गई? यस सर। ठीक है, यस सर। नीडल डाल ली उसने, नीडल रिमूव कर दी, अब आपकी गार्ड वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर इसको सीधा करो और इसके ऊपर शीथ और डायलेटर के साथ एंटर करवाओ। ये ग्रे कलर का आपका डायलेटर है, ठीक है, ये पीछे से ग्रीन और आगे से ग्रे, ठीक है। ये उसने रिमूव कर दिया, अब ये शीथ आपकी जो है ये आपकी वेसल के अंदर चली गई है, इसके ऊपर अब आप कैथेटर इंसर्ट करवा के तो आपने जो भी प्रोसीजर करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे जो हीमोस्टेसिस वाली है चीज वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट मुश्किल है, ठीक है। एंजियोग्राफी तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा हुआ, ना ही कभी देखा हुआ है, और पता नहीं तुम लोगों को देखने का मौका मिलता भी है कि नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलानी है, आपने बाइसाइकिल चलानी है, आपने हैवी बाइक चलानी है, बैक एंड पे सबसे मेजर चीज क्या है कि यू शुड नो हाउ टू बैलेंस इट, ठीक है, एंड यू शुड नो हाउ टू स्टॉप इट एंड हाउ टू एक्सेलरेट। ये तीन चीजें उसकी मेन होती हैं, ठीक है, और सबसे मेन उसमें होता है कि बैलेंस कैसे करना है। तो सिमिलरली एंजियोग्राफी के अंदर सबसे मेन चीज यही है कि आपने एक स्मूथ आर्टीरियल असेस मेंटेन करते हुए अपना कैथेटर अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन तक कैसे लेके जाना, ठीक है। अगर यही चीज आपको प्रॉपर नहीं ना पता होगी, ठीक है, और इसको आपने अंडर फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग करना है, ठीक है, तो इस चीज का जब तक आपको प्रॉपरली नहीं पता होगा तो आप क्या नाम है एंजियोग्राफिक सूट के अंदर कैथ लैब के अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, हमने हीमोस्टेसिस तक पढ़ लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम हीमोस्टेसिस कैसे अचीव करते हैं, ठीक है, हम कैसे ब्लड को क्लॉट करवा के और किस तरह हम लोग ब्लीडिंग वहाँ से स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हम एंजियोग्राफी के अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, और इस तरह हमारे ऑलमोस्ट 16-18 लेक्चर्स हैं जो कि कम्प्लीट हो जाएंगे। होपफुली ट्यूजडे वाले लेक्चर में मैं तुम लोगों को दूंगा असाइनमेंट, ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके ओके सर। हाँ जी, किसी बच्चे का कोई सवाल? सर आपसे क्वेश्चन करना था। जी जी बाजी, दो करें। सर, जो आपने कम से क्वेश्चन किया था कि जो डायलेटर की लेंथ होती है वो ज्यादा होती है शीट से, तो उसका करेक्ट आंसर क्या था? बाजी बताया तो है, इतना डिटेल में समझाया, बताओ मलिहा, और क्या नाम मलिहा कह रहा हूँ, मलाइका बताओ इसको। सर शीट वो गाइड बाय वाली बात तो नहीं थी? हाँ, गाइड वायर को रिमूव करने के लिए आगे लेके जाना पड़ता है ना डायलेटर को, इसलिए उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। बाजी गाइड वायर की बात बाद में, खोल लो जरा, आने में वो खा ही दिया। ये देखो, आपकी शीत की जो आगे से टिप है ना वो राउंडेड है, ठीक है, पॉइंटेड नहीं है थोड़ी सी, ठीक है, टेपर्ड नहीं है। जो डायलेटर है उसकी टिप टेपर्ड है थोड़ी सी, पॉइंटेड है, यानी के, ठीक है,
अब आपने वेसल के अंदर ऑब्वियसली बात है जब एंटर होना है ना तो आपकी राउंडेड टिप वाली चीज तो एंटर नहीं हो सकती इतनी अच्छे तरीके से जितनी पॉइंटेड चीज एंटर हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आप शीथ के अंदर डायलेटर डालते हो। अब जाहिर सी बात है जब तक डायलेटर शीथ से कुछ सेंटीमीटर आगे नहीं निकलेगा, ठीक है, तो आप कैसे क्या नाम है उसको एंटर करवा सकते हो शीथ को अपनी वेसल के अंदर, ठीक है, ऑल दो आप उसको गाइड वायर के ऊपर लेके आ रहे हो, ठीक है, बट यू नीड ए टेपर टिप टू एंटर द वेसल, ठीक है, जिसके लिए आपकी डायलेटर की टिप टेपर्ड की जाती है और थोड़ी सी लंबी की जाती है आपकी शीथ से आगे। इसी तरह बैक एंड पे आपने पीछे से डायलेटर को रिमूव करना है विद योर गाइड वायर ऑल्सो, तो इसलिए बैक एंड से भी वो थोड़ा सा लंबा होता है 2-3 सेंटीमीटर और फ्रंट एंड से भी थोड़ा लंबा होता है 2-3 सेंटीमीटर, ठीक है। किस लिए लंबा रखा जाता है कि एक तो आपकी वेसल में एंट्री इजीली हो जाए और जब आपने गाइड वायर रिमूव करनी है तो वो आपकी इजीली रिमूव हो जाए, आपकी शीथ बाहर ना निकले। अब क्लियर हो गया? यस सर, ये चीज मैंने बताई तो थी कि गाइड वायर को रिमूव करना होता है। बाकी वो तो सेकंड पर्पस है ना, पहला पर्पस तो ये है कि आपने शीथ को अंदर इंट्रोड्यूस करवा के वहां पे स्टे करवाना। ओके सर, ठीक है, गाइड वायर वाला भी पर्पस है वो, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी शीथ प्रॉपर एंटर हो वेसल के अंदर और वहां पे स्टे करवाएं उसको। ओके सर, ठीक है। हां जी, और किसी का कोई सवाल? सर लास्ट पे हम पहले कैथेटर को रिमूव करते हैं, शीथ को रिमूव करते हैं। जी बाजी, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, दोनों चीजों को इकट्ठा भी रिमूव कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि कैथेटर बहुत लंबा होता है तो इसलिए आपको पहले उसको बाहर खींचना पड़ता है कि वो शीथ के करीब करीब आ जाए, देन यू शुड रिमूव द बोथ थिंग्स, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो कैथेटर को बाहर निकाल के तो शीत का आगे से वो कैप होता है वो क्लोज करके, तो फिर वही यानी कि सारा काम करके कि जी क्या हम ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइम पे, इसका प्रोथ्रॉम्बिन टाइम क्या था, क्लॉटिंग टाइम क्या, ये वो इस तरह सारा प्रोसीजर करके तो वो करते हैं शीत को रिमूव। ओके, और किसी का भी सवाल? नो सर। इसके बाद तुम लोगों का कोई लेक्चर है? नो सर। यस सर। कितने बजे? सारी क्लास की है कि कुछ कुछ बच्चों का है? नो सर, सारी क्लास का नहीं है। कितने बच्चों का लेक्चर है और किस चीज का है? हाँ भी काको बोलो। सर मेरा है रेडियोलॉजी का। रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक इमेजिंग? यस सर। ओके, हाँ भाई ग्रुप में आज किसी ने बोलना हो कि सर आधे घंटे में लेक्चर खत्म कर देते हैं तो मुझे अभी बोल दे, कोई मसला ही नहीं है। कोई जवान, कोई जवानों की बहन, किसी ने कुछ कहना हो? क्यों भाई मलाइका जल्दी लेक्चर नहीं खत्म हो गया आज? लेक्चर जल्दी नहीं खत्म हो गया सर? लेक्चर शॉर्ट था थोड़ा, मतलब लंबा लेक्चर होना चाहिए ना? नहीं सर, यही तो शॉर्ट, बाकी तो काफी लंबे ही। कोई 50-60 स्लाइडों का लेक्चर हो तो मजा भी आए जरा पढ़ने में, है ना, पूरा सवा घंटा हम लोग पढ़े। वैसे बनाना चाहिए मुझे एक आधा लेक्चर ऐसे मुझे बच्चे नहीं सर इस तरह ठीक है मुझे बच्चे डायरेक्ट मैसेज कर रहे सर नहीं अल्लाह का वास्ता नहीं इतने इतने लेक्चर ठीक सर आप इनकी बातों को दिल पे नहीं लेना, इतने लेक्चर बहुत है। अच्छा भाई सच, मैंने तो क्या नाम है मीटिंग ही नहीं लॉक की, चलो कोई नहीं अभी कर देता हूँ, अब तो कोई नहीं ना एंटर। अच्छा अटेंडेंस लगा ले, अभी टाइम तो पड़ा हुआ। जरकम, जानिश, जैनब, वानिया, उमेमन, उमेर अहमद, सुमैया, सुंबल, बट साहब प्रेजेंट सर, सुंबल प्रेजेंट सर, शवाल, सहर, सिमाब फियाज प्रेजेंट, सारा भी है, सना खालिद, सना हबीब प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, ठीक है, सामिया भी है, सफा प्रेजेंट,
ठीक है वानिया, ओके। अच्छा जी, उसके बाद सादिका। प्रेजेंट सर। रहमा। प्रेजेंट सर। गीसा की तो आवाज पहले ही आ गई, उसके घर मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दराबिया। प्रेजेंट सर। नुदरत। नुदरत। नादिर। जी सर। मुशाहिद। उस्मान। प्रेजेंट सर। शहीर। राफे। प्रेजेंट सर। राफे। काशिफ। यस सर। हामिद। प्रेजेंट सर। अरसलान। यस सर। आमिर ताहिर। अमन लियाकत। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला। मुआज। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला प्रेजेंट है सर। आमिर ताहिर हो गया। आमिर ताहिर हो गया और एब्सेंट हो गया सर, मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था। चले भाई जान, लगा दिया। और बताएं। ठीक है नुसरत बेटे, ओके। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। क्या नाम है आपका? सुमैया सादिया। सुमैया सादिया, अच्छा ठीक। तुम आप उस टाइम कहाँ थी बाजी? सर मेरी भी नहीं लगी, ऑन हो रहा था और नेट बंद हो गया था अचानक। चलो जी ठीक है बाजी। सर मेरी भी नहीं लगी। सर मेरी नहीं लगी। और सबर कर लो, अभी मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। सर मेरी अटेंडेंस हो गई है। जी बाजी हो गई है। जाने सर, आप किधर थी? आप किधर थी जब मैंने आपका नेम कॉल किया? सर मेरा माइक ऑन ही नहीं हो रहा था। चलो मुशाहिद साहब भी कह रहे हैं आई एम प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। सर लग गई मेरी। जी जी लग गई बाजी। मुशाहिद आपकी भी लग गई है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोमिना। प्रेजेंट। मिया अली नूर। यस सर। माहीन। मलाइका। ममूना। ममूना दोनों हैं? यस सर। ममूना तारिक। ओके जी। लिंता। लिंता। माहा। प्रेजेंट सर। महा लास्ट लेक्चर में आई थिंक प्रेजेंट सर, यू वर एब्सेंट राइट? यस एक्चुअली मैंने लेक्चर लेना था बट काफी लेट हो गया था क्योंकि रमजान में ये था लेक्चर जल्दी खत्म हो जाता था तो पता नहीं मेरी आंख कैसे लग गई और मैं सो गई, सो आई एम रियली सॉरी। ओके। लाइबा नवीद। प्रेजेंट सर। खदीजा। कशफ। प्रेजेंट सर। इकराम। फातिमा साजिद। फाखरा जफर। ठीक है बेटे। दुआ खान। प्रेजेंट सर। दाऊद। आयशा नासिर। प्रेजेंट सर। अथर इकबाल। प्रेजेंट। अरीबा। प्रेजेंट सर। अक्सा। प्रेजेंट सर। आमसा। प्रेजेंट। आमना। प्रेजेंट सर। ओके। अला नवाज। प्रेजेंट सर। आलिया एहसान। एमन। प्रेजेंट। दोनों एमन प्रेजेंट हैं। यस सर। तो एमन दिलशाद प्रेजेंट। अफजाल भी है। ओके। अबीहा भी है। यस सर। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। सर ये मानी भाई इज आल्सो प्रेजेंट।
Amania Tahir, you are having a portal issue. Kindly go to registrar and resolve it. आपके attendance नहीं mark हो रही. Okay sir, मैं check करती हूँ. Sir, मेरी लग गई? जी जी लग गई है. ठीक है बच्चों, okay फिर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज सर. जी राबे बेटे बोलो. नो सर वो गलती सॉरी. ओके.